कांग्रेस के साथ सांसदों के निलंबन का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठा। दिल्ली हिंसा पर चर्चा करने की मांग को लेकर हंगामा करने वाली कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक अजीबोगरीब बयान भी दिया। उन्होंने अपने सांसदों के काम की तुलना जेब कतरे से कर दी। अधीर रंजन ने कहा कि हम आसन का सम्मान करते हैं, हमारे साथ सांसदों को निलंबित किया गया। सदन में हम लोग मांग करते हैं कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा हो, लेकिन एक साथ सात सांसदों को किस आधार पर निलंबित किया गया इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये छोटी बात नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जेब कतरे को भी फांसी की सजा नहीं मिलती। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार विपक्ष को बाहर रखकर कार्यवाही जारी करना नहीं चाहती है। जो कल हुआ वो भारत के 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निलंबन की तुलना जेब काटने से नहीं की जा सकती, ये तुलना करना ठीक नहीं है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि जब कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए किसी नेता के खिलाफ गलत टिप्पणी की तो उस तुरंत कार्यवाही से निकाल दिया गया। आप लोग भी कई बार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अनाप शनाप बोल चुके हैं, लेकिन ऐसे सदस्यों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। संसदीय मंत्री ने कांग्रेस सांसदों के खिलाफ कार्यवाही को उचित ठहराते हुए 374(1) और 374(2) में यह स्पष्ट किया है। जब मीरा कुमार जी स्पीकर थी, उन्होंने 44 लोगों को बाहर किया था, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो स्पीकर निर्णय करेंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन सदन में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। मैं यही निवेदन करता हूं। We are in the same point. None of the opposition party will allow this government who are hell-bent of throttling the voice of the opposition party. No. So we won't, but from our own demand that Delhi riot issue has to be discussed inside the parliament. It is our legitimate right, it is our moral duty, and that is why we have been elected as a member of parliament. We have been elected by the people so as to raise the concern, apprehension of the common people of our country. Will you approach the speaker for the suspension of interest? See, already before taking this decision, speaker is well aware of what is transpiring inside the house. For the last 2 days, speaker himself has been remaining absent from the house, and on more than couple of occasions I have personally approached and beseeched the speaker that said, please occupy your chair, it is befitting, the chair is befitting for you only, don't send the chairman or other official, presiding official during the question hour. We have a very cordial relation with speaker, but we cannot let ourselves to be beggar. We have not committed any wrong by demanding the discussion on a very sensitive issue in our country. Yes, Delhi riot is a sensitive issue of our country. We have the right, it is our privilege to raise this issue inside the parliament. That is why we have all been elected by the common people. So if government does not want to discharge our legitimate right, certainly the government will be recognized as an authoritarian regime. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.